दोस्तों कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नगर पालिका सीमा विस्तार को लेकर अभी जो शहर में चर्चाएं चल रही हैं, हर कोई आगे आकर अपनी अपनी बातों को आगे रख रहा है, बोल रहा है कि हमने जो है यहाँ इस नगर का जो है सीमा विस्तार कराया है, हमने कराया है। हर कोई अपना चर्चा में आना चाहता है। उसके लिए आज आप हमको हम मिलने के लिए आए हैं पूर्व चेयरमैन पति राधे अरोड़ा जी से। उनसे जानेंगे कि ये जो सीमा विस्तार हुआ है, ये कब से इसकी फाइल की इन्होंने शुरुआत की थी और ये कब से इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सीमा विस्तार को लेकर जो चर्चा है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो तो आप भी जानते हैं क्योंकि आप पुराने पत्रकार हैं। ये सिलसिला 2012 में चला था जब मेरी पत्नी नगर पालिका परिषद मुरादनगर की चेयरमैन बनी थी। सबसे पहले 9/12/2012 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कि सीमा विस्तार को लेकर चर्चा थी और प्रस्ताव पास होकर शासन को चला गया। दूसरा प्रस्ताव 30/5/2013 को हुआ जिसमें कुछ नामित सदस्य, जिसमें परवेज चौधरी जी थे, कुछ नामित सदस्य जब नगर पालिका में, उन्होंने थोड़ा बहुत जब समाजवादी गवर्नमेंट है तो ऑब्जेक्शन उठाया, जिसकी भी प्रतिलिपि मेरे पास है 2013 की, अखबार की कटिंग मेरे पास है कि इन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन 19 सभासद इसके प्रस्ताव में सभी ने एक प्रस्ताव पास कराने के लिए सहयोग दिया और सर्वसम्मति से फिर प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू होने के बाद सीमा पर को लेकर ये फिर एक शासन को कैबिनेट में इसकी प्रतिलिपि गई जिसमें 31/5/2017 को कैबिनेट की मोहर लगी और ये फाइल शासन को चली गई, जिसमें कार्रवाई फिर शुरू की गई कि प्रस्ताव पास की। इसके साथ ही जितनी भी कार्रवाई थी कि सिजरे जोड़ने, गांव देहात के लिए जोड़ने, नक्शे बनाने, जिसमें करीब 3.5 साल का वक्त लगा, जिसमें सभी क्षेत्र के पटवारियों ने सहयोग दिया, डीएम साहब ने सहयोग दिया, एसडीएम साहब ने सहयोग दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका रही माननीय हमारे सांसद जनरल वी के सिंह जी की, बहुत बड़ी हमारे यशस्वी विधायक श्री अजीत पाल।